1v3 for a winner winner chicken dinner भाई ये पूरा मैच चार बंदे एक गाड़ी में घूम रहे भाई कोई एक क्यों मुड़ गई इतना प्रॉपर स्क्वाड वाइज कर रही है प्रॉपर जिगा ले रही है सीआरसी यहां 15 फिनिशेस वाओ तो हेलो एवरीवन फाइनली BGIS 2024 इस हियर सबसे पहले BGIS में द ग्राइंड होने वाला है जिसमें 256 टीम्स इनवाइटेड है इस 256 टीम्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 16 तक एंड पहला दो वीक में ये 16 ग्रुप्स 3 मैचेस खेलेंगे फिर उसके बाद सारे ग्रुप्स शफल हो जाएंगे फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में वापस सारे ग्रुप्स 3-3 मैचेस खेलेंगे एंड 2+2 टोटल 4 वीक्स कंप्लीट होने के बाद पूरा 256 टीम्स में से टॉप 64 टीम्स BGIS का मेन इवेंट में जाएगा एंड माय फ्रेंड्स BGIS में बहुत सारे नया रूल्स भी आए हैं इस BGIS में नया पॉइंट सिस्टम देखने को मिला अपने को वो पॉइंट सिस्टम क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो चिकन पे आपको मिलता है 10 पॉइंट्स, सेकंड आने पे आपको मिलता है 6, थर्ड पे 5, फोर्थ पे 4 पॉइंट तो दैट फोर्सेस टीम्स टू प्ले मोर एग्रेसिव जो भी होगा बहुत मजा आएगा ऑल्सो नेक्स्ट रूल न्यू जोन मेटा हमें अक्सर देखने को मिलता है हार्डशिप्स लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बट जो इलस्ट्रेशन ये दिखा रहे क्राफ्टन दैट इज सेइंग जोन शिफ्ट्स बहुत सेंट्रलाइज्ड होंगे बोल के जो आप हमें ग्लोबल में देखने को मिलता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टीम्स कैसे अडेप्ट करेंगे इस न्यू मेटा को तो जो भी होगा बहुत मजा आएगा आज टोटल 6 मैचेस होने वाले है ग्रुप 1 3 मैचेस खेलेगा एंड ग्रुप 2 3 मैचेस खेलेगा And these 3 matches are very crucial for both the groups. क्योंकि grind पे overall हर team को सिर्फ 6 matches खेलने को मिलेगा, तो कितना maximum points निकाल सके उतना maximum points निकालना चाहिए। जो निकाल नहीं पाएगा, वो बाहर हो जाएगा। And the match 1 is about to begin of group 1. And also guys, BGIS is back, 2-2 is back. उसके लिए like तो बनता है। कर दो 40k likes. And with that being said, ओ भाई, जल्दी हो गया। Guys, subscribe भी कर दो यार। We're very close to 1 million subscribers. Would mean a lot अगर आप subscribe कर दे तो। Make it happen, guys. And with that being said, now let's get started. क्या आप BGMI खेल के हर रोज 50,000 जीतना चाहते हो? तो ये part end तक जरूर देखना। ए भाई बताना। भाई 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 मेरा भाई। तो ये app है So Strong, 100% trusted है। So Strong का 35 lakh से भी ज़्यादा downloads है और 8 करोड़ की winning बांट चुके हैं। इस app की सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको काफी type के tournaments मिलते हैं, especially instant tournaments, जिसमें zero wait time है। And इस app में custom rooms की ज़रूरत नहीं है। आप अपना classic rank खेलो, जैसे आप हर रोज खेलते हो, और So Strong खुद ही आपकी kills detect करके आपको पैसे दे देगा। तो जैसे रोज BGMI खेल के पैसा कमाना guaranteed है। और So Strong का एंटी चीट सिस्टम इंडस्ट्री में बेस्ट है। So Strong का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक को तो डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 600 रुपीस का इंस्टेंट बोनस। ये पैसे यूज करके आप टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो अभी साइन अप करो, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात यह है कि जो भी आप जीतते हो वो आप गूगल पे पेटीएम फोन पे और कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप विद्रॉ कर सकते हो वो भी इंस्टेंटली। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की है गाइस, डाउनलोड करो फटाफट और जीतो 50,000 डेली। लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्रेडिक्शन पे स्पाइक बाय रुक जा रे गन फाइट हो गया स्टार्टिंग है। क्या होगा आज? डिसेंट 80 डिसेंट वर्सेस टीए। दिस इज वीक 1 मैच 1 ऑफ द ग्राइंड एंड इसमें खेलने वाले टीम्स T1 जिसमें है ब्लाइंड राइवलरी ईस्पोर्ट्स। अरे भाई साहब हो गया मैटर हो गया टीए का खत्म। सबसे पहला टीम भाई 1v3 किया भाई, डिसेंट 80 ने 1v3 किया। पहला चर्च पे एक बंदा को गन फाइट लेके मारा, फिर उसके बाद और दो बंदों को मारा। डिसेंट 80 आई हैव माय आईज ऑन यू ब्रो। अच्छा मारा सुपर गाइस। स्टेज 4 सर्कल ऑफ मैच 1 अभी 10 सेकंड्स में बनने वाला है। अभी भी 15 टीम सर्वाइव कर रहा है। जब भी आगे जाते हैं स्मोक करके आगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटेड तरीके से गेम खेला और सिस्टम चेंज, अभी भी टीम्स पैसिव ही खेल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो लास्ट 5th सर्कल के बाद भाई इतना बसड़ होगा सिनेरियो वो बना रहे थे कि पता भी नहीं चलेगा कब कौन सा टीम वाइप हो गया। बट अब बारी है कि अनदर थोड़ा अपर सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट सिनेरियो में देखने को मिल रहा है जोन का, किस तरह से रोटेट की भी है। बट इसी बीच उसने उतार दिया रिस्क लेते हुए नजर आएंगे सीधे व्हीकल लेके स्लैम इन करने की कोशिश। बट इसी बीच टीम 7 वो भी एक रिस्क लेते हुए गाड़ी से उतार दिया था इसको, लेके स्लैम इन करने की कोशिश। फिर उधर मारा भाई जेसन भाई देखने को मिल रहे थे। जोसान ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल चुके। देखो कुछ नहीं बोल रहा अभी के लिए, मैं बस बता रहा हूं कि भाई अपना ड्रॉप भी लिया था थोड़ा टीम 7 तो स्मोक में मार दिया। तो मैंने दोबारा देखा क्या हुआ, वो पुश कर रहे व्हाट जेसन भाई 3 किल उठा दिया करके वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जेसन भाई और नॉक कर दिया, एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। जो जेसन ब्रो चौथा फिनिश जोन के क्या बात है भैया, और 4 सोलो किल्स पूरी तरीके से। ब्लाइंड वर्सेस एफएक्स भी चल रहा है दूसरी साइड पे फाइट में गाइस। बात और वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अब इस पूरे टूर्नामेंट में जेसन कॉन्फिडेंट रहेंगे, पहले मैच में 4 उन्होंने कौन है ये जेसन। और जी हां वही चीज होगी भी, बट यहां पर
थे वो एक स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे शैक पे, जहाँ पर एक खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। क्या वो मोलोटोव का प्रहार वहाँ पे किया जाएगा? कवर दे रहा है। अरे भाई साहब, व्हीकल ब्लास्ट से मर गई है। ये आखिर हुआ तो व्हीकल ब्लास्ट से मरी, कैसे मरी? और देखते ही देखते दो टीम्स की फाइट में आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम आ गया इनका सर्कल के अंदर। अब वो ब्लाइंड हो सकती है व्हीकल लेकर, भाई क्या ग्लिच है ये, कनेक्ट करने की कोशिश और देखते ही प्रोडक्शन का एलिमिनेशन लेजेंड्स का हो जाएगा। बट डेडली ईस्पोर्ट्स उनको भी रीसेट का मौका मिलने नहीं वाला। डेडली टीम डेडली के 7 इसलिए आप मुंबई में रुकना इतना नहीं चाहते बिकॉज़ आप सैंडविच हो जाएंगे। इन दोनों का फाइट हो सकता है बट अब मैं आगे देखना चाहूंगा कि क्या होता है, कौन सी टीम जो जोन के अंदर सही सलामत पहुंच पाएगी। ब्लाइंड मीनवाइल they really want to push right now, it's a very aggressive team. Har baar hum jante hain, dekhte hain, samajhte hain, pehchante hain in players ko ki ye attack karne mein believe rakhte hain aur ek ek karke wo deadly ke upar akraman karna chahte hain. But Anki agar aap dekhe deadly ke players jaise good job blind, good job, dekho blind kitna calculative khel rahi hai, ek saath hai, no mistakes ekdam calculative approach chal raha hai har fight mein. Aadhi knock hai, ek badhiya grenade aayega, in fact wo spray tha deadly ke 2 man bache sirf, देखना ये कि फिनिश सिक्योर वो कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर टीम ब्लाइंड यहाँ पे वन थिंग इज फॉर श्योर, बहुत बढ़िया एरिया ब्लाइंड होने वाला है और चिकन निकाले ना निकाले टॉप 3 तो आएगा इस मैच में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। दो खिलाड़ी आई एम गोइंग टू स्टिक विद ब्लाइंड फॉर दिस गेम। आप देखिए डेडली को बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना ब्लाइंड की ये पुश से। टीम ब्लाइंड वो लगातार ग्रेनेड का प्रहार कर रही है क्योंकि ब्लाइंड को जोन के अंदर आने के लिए डेडली को क्लियर करना पड़ेगा। आदि को जरूर अब नेट से टैपर करना चाहते हैं अपने ओपोनेंट। ओए हर्ष नॉक स्प्रे दिया जाएगा, हर्ष को यहाँ पे डाउन किया गया। नेवन पोजीशन अच्छी डीपीएस में उन्होंने शिफ्ट जरूर। ओए एंटी पे डेडली एंटी, ब्लाइंड के 4 मैन हो जाएंगे वापस। ऑलरेडी टीम ब्लाइंड आगे बढ़ेंगे निकाल चुकी है बट T7S दूसरी सेट क्या चल रहा है कंपाउंड के ऊपर और खत्म भी किया अपने अपोनेंट T7S बाहर क्यों गए? T7S ने बाहर कर दिया किसको, राइवलरी को, और वो बाहर गए क्योंकि जोन आने वाला था, यहां जोन के अंदर जाना है, कल के अंदर जाना है। तो टॉप 5 टीम्स आर राइवलरी जेनेसिस निकल जाना ही बेहतर रहेगा बट एक ओपन सर्कल है। टीम 7 हिल्स क्या है T7S क्या है, कुछ स्पेस दे रहे हैं वहां पे कुछ प्रेशर और E4 और ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स पुष्कर बुजारो गॉट टू एंड आई थिंक ब्लाइंड निकालेगा भाई ये मैच करके ही सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जो भी बचे हैं टॉप 5 में सारे अच्छा कवर, थोड़ा बहुत रिपीटेड टीम सी है चुके बट जेनेसिस स्पॉट करे जाएंगे रे के द्वारा। जेनेसिस वी हैव सीन जेनेसिस इन अथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स, पास भी काफी बढ़िया एरिया में देखने को मिल रहा है, अच्छा टीम है। और देखते ही देखते हेल बॉय उनको फिनिश भी किया जाएगा एंड जोन देखा जाएगा, थोड़ा सा फेवर कर रहा है राइवलरी को के अंदर तो लेकर थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं एंड बाकी टीम सारे जोन के बाहर है। ये तीनों ही टीम्स मौजूद भाई ब्लाइंड के 12 फिनिशेस पहले मुकाबले में, लेट्स फ्रीकिंग गो बे, कौन लेके जाता है, लेट्स फ्रीकिंग गो। पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहां से वो जोन के अंदर कैसे जाएंगे स्मोक करके, व्हाट अ स्टार्ट को जाना पड़ेगा, व्हाट अ स्टार्ट फॉर ब्लाइंड। ब्लास्ट हो चुकी हैं सारे प्लेयर्स एकजुट हैं और क्या ही चाहिए कर सकता स्मोक करने के अलावा। अब तो मोमेंटम आ गया, अब तो पूरा मोमेंटम आ गया इनको। उसी टीम जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ब्लाइंड जा रहा है, राइवलरी वर्सेस ब्लाइंड होगा पहला। जैसे मैंने कहा कि गार्डियन फर्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी ब्लाइंड, अरे भाई ये लूसिफर खाएगा करके पुश किया उन्होंने, लूसिफर खाएगा भाई। डार्क लॉर्ड घास के अंदर, डार्क लॉर्ड तेरे सामने एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है, बहुत बड़ा एनाकोंडा है, सही जगह पे गया उन्होंने, वहां पे नॉक भी निकाला। एक और नेट कुक करते हुए पोजीशन अभी तक रिवील उनकी हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि उनकी पोजीशन इतनी जल्दी रिवील होगी। भाई खा गया पूरा इनको, बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे हैं, स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल किया जरूर है बट ब्लाइंड को कोई आईडिया नहीं कि लूसिफर आ गया, आदि हैज नो आईडिया वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, गिली सूट एंड इन दिस बुश अभी आदि को आदि के मुंह के सामने बंदा था दिखा नहीं, इनको रिवील आउट करेंगे आगे। Skips in the last match. Oh, my God! Skips. They are done. Blind bahar. For this match and team rivalry. Wow. पहला मैच विनर विनर चिकन डिनर फॉर ब्लाइंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला मैच विनर विनर चिकन डिनर फॉर राइवलरी ईस्पोर्ट्स। ब्रो मुझे लगा पक्का ब्लाइंड निकाल लेगा व्हेन आई सॉ द 12 फिनिशर्स 4 मैन स्ट्रॉन्ग एंड सिर्फ 4 टीम सर्वाइविंग, बट वो एक सोलो बंदा गिल्ली सूट लेके बेटा है बुश के अंदर, वो बंदा खेल लिया भाई असली गेम तो। एंड दूसरी साइड जेनेसिस पता नहीं कैसे मरी, बट गुड जॉब राइवलरी। बट इस मैच से आई थिंक पॉइंट, सिर्फ पॉइंट सबसे तो आई थिंक ब्लाइंड सबसे ऊपर रहेगा, आई एम नॉट श्योर क्योंकि किल्स भी उतने ज्यादा थे उनका। ओवरऑल अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द ग्राइंड। चलो अब बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ। भाई क्या 2-2-2-2 चल रहा है बे, खिलाड़ियों की जेसन भैया तो ऊपर बैठा है उधर,
कुछ जेसन भैया से चूक गए थे पिछली बार, बट क्या करेगा देखना पड़ेगा। टीम सुपारी गैंग ने स्लैम कर दिया, जरूर अपने फंसाना चाहेंगे क्रिश अपनी उसी के साथ। क्रिश दोनों का पेटी बन गया। मास्टर रखा है नाइस वन मिनटो बट के साथ, बट क्या करेगा मिनटों के ऊपर पुश आ गया। आसपास एक और खिलाड़ी आपको देखने को मिला, बहुत सही नाटो वो तैयार थे पेटी इंस्टेंट। यहाँ से वो कितने फिनिशेस और लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ समाप्त हुए भाई जोसन का रोल मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस फाइट में। ये मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता, उधर से वो नेट्स कर रहा है जोसन भाई, मिनटों के लिए बहुत खराब लग रहा है। दिक्कतें आपकी भी बढ़ सकती है, पर इन सबके बीच में मिनाटो उनको ऊपर से नीचे ढकेले गया मोलोटॉफ के जरिए, और अभी भी आप देखेंगे नाइस वन रे मिनटो भाई, मिनटो ने बहुत प्यारा खेला सो फार ऑलरेडी। खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, मास्टर वो यहां पर नॉक कर दिए जाएंगे, और अब सिचुएशन नीचे कूद के अगर दे दे और एक बंदा को मजा आ जाएगा। चाहूंगा निखिल क्या करते हैं, क्या वो कोशिश करेंगे आगे आने की, अपने प्लेयर्स को बचाने की, अपने टीममेट के साथ यहां पे फाइट करने की, और यही हुआ। कोई और फिनिश कर रहा है इसको, बहुत कम मास्टर यहां पे बच, दूर से कोई और टीम आके फिनिश किया उसको। एक थर्ड पार्टी का आगमन यहां पे हो चुका है मेजी, और यही है बीजुमाई का खेल। अगर ज्यादा देर यही चलता रहा, आप दोनों आपस में लड़ते रहे, कोई तीसरा होगा जो फायदा उठा के जाएगा। ओए अभी भी मुश्किल मुश्किल मुश्किल, आखिरकार हो कहां पर रही है। आपको तो पूरा इन्फॉर्मेशन है कि यहां पर एक ही खिलाड़ी मौजूद है, और सामने से आप तीन मिलकर रश। अरे भाई चलिए इसी बीच बिजलू, किसने मारा जेसन, और फाइट चल रही थी जोसन, वो ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने मिनाटो को देख लिया वहां से ज्यादा। गाइस क्राफ्टन हैज रिप्लाइड टू माय कमेंट सेइंग दैट जोन सेटिंग चेंजेस हैव बीन मेंशनड इन द रूल बुक, तो क्या एग्जैक्टली वो सेटिंग से सिर्फ प्लेयर्स को ही पता है, तो व्हाट एवर क्राफ्टन इज सेइंग दे आर अवेयर कि क्या वो बोल रहे, तो आई बिलीव इन व्हाट दे आर सेइंग, तो कुछ तो चेंजेस हुआ है। ब्लाइंड वर्सेस जेनेसिस अभी भी चल रहा है, जोन के बाहर है ब्लाइंड, मौका दिया नहीं, और अब बचते हैं मात्र दो खिलाड़ी। इवन दोनों की तरफ से ये हुआ, बट लग गए स्पॉट किया यहां पे, और टीम जेनेसिस लग गई, प्लेयर्स भी खत्म होते आपको नजर आएंगे। जेनेसिस स्पॉट बाहर, ब्लाइंड का सिर्फ एक बंदा बचा है, फिनिशेस को निकाल चुके हैं, एंड आई थिंक टॉप 10 में शायद जो सातवां फिनिश होगा, सातवां होगा चाहे थी आठवां होगा, चलिए आठवां तो नहीं आ पाएगा बिकॉज रीलोड करना पड़ेगा एक और प्लेयर को, और मार दिया वाओ, जाते जाते मार के गया बे ZX को। आप ये सोचे कि वो ब्लाइंड डार्क लॉर्ड, फैंटास्टिक जॉब ब्रो, डार्क लॉर्ड कितने गेम से खेला था, ब्लाइंड के हो गए हैं 8 फिनिशेस, एंड वो हैशटैग 9 पे गए तो 10 पॉइंट तो मिला इस मैच में भी, सो दैट्स 30 पॉइंट्स फॉर ब्लाइंड। कुड हैव गॉन बेटर, बट राइवलरी का कंसिस्टेंसी देखो, इस मैच में भी 4 मैन स्ट्रॉन्ग टॉप 8 में आ चुके हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन स्टिल सेम है, राइवलरी निकालेगा चिकन बोल के। थोड़ा जोन भी है उनके पास, तो उतना दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। MI7 Venom के पास है 5 सोलो फिनिशेस, that is impressive, तो मिल भी सकते हैं उनको, but भाई rivalry का एक बंदा का पेटी बन गया, वो खिलाड़ी थे जिनको नॉक किया गया, 20 चल, चल 20, लो, वो भी लो, बहुत ज़्यादा कम उनके players की देखने को, nice damage on the round, मतलब मारा फिर पीछे गया फिर आके मारा, nice one, but rivalry का एक ही बंदा बचा है क्या, Beast is the last man standing for rivalry sports, चल Beast, भाई heel battle के लिए जा रहा है ये, अबे मत करो यार ऐसा, कोई बात नहीं, it is understandable, because the stakes are very high, every point matters, विज़ार्ड उनको परेशान कर सकते हैं, विज़ार्ड को देखो, एंट्री उनके पास है नहीं, zone के पास हो सकता हो जाएंगे, और इसी के साथ हो गया, मतलब E4 को कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब अपने आप मर गए भाई, सब अपने आप मर गए, must be a good feeling for E4 right now, team excellent 4, good job guys, good job, so far 2 matches हुए, पहला match Rivalry Esports, second match में Team Excellent 4, but overall standings में I feel like top पे रहेगा Rivalry, second पे Blind, I think third पे शायद Team Excellent 4 रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं अपना match 3 की तरफ। भाई Blind को देखो भाई, dead center में बैठा है। यहाँ पर revive करने के लिए busy है, क्योंकि ये पांचवा circle है, आप revive कर भी लोगे। Imagine Blind getting a winner chicken ना this match। Great होता हुआ दिखाई देगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 man है वो। I'm not sure if they can defend। अरे भाई साहब, सीधा finish। Genesis Esports बाहर, ब्लाइंड 2 मैन है भाई, ये क्या प्रोडक्शन रिच है बे, एकदम डीजे कर रही है, राइवलरी स्पोर्ट्स बाहर, मात्र एक अंक उनके खाते में आया, पर टीम ब्लाइंड, देयर आई वुड लाइक टू सी ब्लाइंड गेट अ विनर चिकन इन दिस मैच, और आप देखिए
बिकॉज मेरे कोई और दूसरे टीम में उतना भरोसा नहीं आ रहा मुझे। जेसन वाला स्क्वाड के ऊपर तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो दिख रहा है वो थोड़ा सा जो दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है, इस तरह बोल सकता हूँ मैं। एक वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी डाउन किया जाएगा डेडली, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वो भी देखने को मिलते हुए। T7 E4 भी अच्छा टीम है, निकाल सकते हैं। ओए होए होए ट्रेड ले लिया किसी ने। दूसरा टीम DH जो कनेक्शन बनाएगा भाई, जोन बहुत अच्छा फेवर किया रे ब्लाइंड को। टीम सुपारी गैंग को छोड़ के MI7 को छोड़ के बाकी सब मरने वाला है अगले जोन में आने के लिए। वो उनसे हर बार दूरी बनाता हुआ नजर आएगा पुष्कर। ब्लाइंड के ऊपर दो टीम्स आने वाला है, दे शुड बी एबल टू डिफेंड बिकॉज इट्स सच अ ओपन एरिया उनके आसपास। और तीनों ही सर्कल के एज पे E4 का लास्ट मैन स्टैंडिंग है पुष्कर। हम देखते हैं और वो भी जब आप स्प्रे कर रहे हो प्रॉपर स्प्रे जब आप वो कर रहे हो वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी थोड़ा सा रह गया मोलोटोव कर दिया भाई पुश को रिवाइव किया जाएगा। हो गया E4 बाहर T7 अंडरडॉग टीम छह फिनिशर्स एंड द जोन हैज बिगन दे हैव टू गेट इन द जोन। इस मैच में भी शानदार शुरुआत। ओए उतार दिया ब्लाइंड और एक नॉक कर दिया। लास्ट मैन स्टैंडिंग गट्स गट्स गॉन ब्लाइंड एक्सीलेंट डिफेंस सेवन फिनिशर्स टॉप फोर में आ गया ब्रो। ब्लाइंड का विनर विनर चिकन डिनर चाहिए इस मैच में, चाहिए इस मैच में। लेट्स सी सुपारी गैंग क्या कर रही है। बात कर रहे हैं वो टीम ब्लाइंड अब यहां से पार करती हुई जरूर नजर आ सकती है। डाउनहिल उनके वो एक खिलाड़ी जॉर्ड स्किप्स एंड डार्क लॉर्ड वो सरवाइव कर पाएंगे। कैन दे डू इट कैन दे डू इट। डीएच एंड एमआई का जो फाइट चल रहा है ना इसमें उंगली करना पड़ेगा ब्लाइंड को थोड़ा सा। एमआई का भी एक दो बंदा बंदे मारना पड़ेगा तभी कुछ होगा भाई। डीएच का एक ही बंदा बचा है एसिड ने कम से कम फिनिशेस बहुत ज्यादा बढ़िया निकाल दिए हैं। 8 फिनिशेस उनके पास मौजूद, एक खिलाड़ी पीछे हील बैटल भी कर रहा है भाई। इसके मुंह के सामने ग्रेनेड बुक कर रहा है वो और MI7 खत्म। एक फिनिश के साथ अभी भी सरवाइव करते हैं बट टीम ब्लाइंड MI का ये बंदा रेव नहीं होगा। 5 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इट्स ए रेस में एक बार फिर इट्स ए 2v3v ये है कि चिकन डिनर वो फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या वो मर गया एक। नाउ इट्स ए 2v3 सिचुएशन है। टीम सुपारी गैंग हैज द अपर हैंड इन मैन पावर बट ब्लाइंड के पास देखो सामने लेफ्ट में एक पत्थर है, सामने एक पत्थर है, मिडिल में एक पत्थर है। जो दो टीम्स फाइट करेंगे तीसरा टीम लेके जाएगा तो वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाने वाले हैं यानी कि 11 अंक और वो जो एवरेज है वो मेंटेन कर अभी भी रखा जा सकता है। ओए स्किप्स लो है वापसी कर सकते हैं TSG क्या बात है। डार्क लॉर्ड नाइस वन डार्क लॉर्ड भाई बहुत सही बहुत सही बहुत सही। TSG और इनका दोनों का कैजुअलिटीज हुआ। ब्लाइंड के दोनों के दिन वैसे ही है। टीम सुपारी का एक ही बंदा बचा है ब्लाइंड टू मैन। MI का कितने बचे हैं? MI का एक बंदा बचा है। हो गया हो गया टीम सुपारी गैंग बाहर हो गया। विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स। आई एम सुपर हैप्पी फॉर द बॉयज। आई थिंक ब्लाइंड 45 प्लस पॉइंट्स निकाल लिया होगा 3 मैचेस में। दैट इज फ्रीकिंग इंप्रेसिव। अगर ऐसे ही नेक्स्ट 3 मैचेस में ऐसा कुछ करेगा ना ब्लाइंड वाइज नो डाउट सीधा BGIS राउंड 4 सीधा। गुड जॉब गाइस गुड जॉब ब्लाइंड। विद दैट ग्रुप 1 के 3 मैचेस खत्म हो चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर ओवरऑल स्टैंडिंग्स। वाओ ब्लाइंड के पास है 49 पॉइंट्स दैट इज इंप्रेसिव एंड राइवलरी है सेकंड विद 32 पॉइंट्स। थर्ड पे है टीम एक्सीलेंट 4 E4 विद 24 पॉइंट्स। कहां है वे अपना वो टीम कहां है जेसन वाला टीम कहां है? ओके वो नहीं है कहीं उसका टीम नाम कुछ तो था टेड्रेक्स ईस्पोर्ट्स पता नहीं आई एम नॉट श्योर। जो भी है आई हैव माय आईज ऑन फ्यू प्लेयर्स जो मेरे को लग रहा है देखते जो भी है आई होप नॉट बट अगर है तो दिख जाएगा अपने को। ग्रुप 1 के मैचेस खत्म हो चुके हैं एंड ग्रुप 2 से खेलने वाले टीम्स को एक बार अपन देख लेते हैं। T1 टीम्स में से अपने को देखने को मिल रहा है ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स। आई थिंक गॉडस्ट्रेन का जो टीम है वो ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स के नाम से खेल रहे हैं एंड नेक्स्ट वी हैव OG टीम मेहम और कौन है अरे बाकी सब अंडरडॉग्स है क्या? बाकी सब अंडरडॉग्स है। देखते हैं अपना ग्रुप 2 में कितने अच्छे प्लेयर्स है। चलो भाई द मैच होने से बॉट बिगिन लेट्स गो भाई। फिफ्थ जोन अभी बनने ओए OG वर्सेस AG और साथ ही साथ टीम ओरैंगुटन वो एक AG अंडरडॉग टीम है काफी बेहतरीन तरीके से। नाइस वन OG 6 फिनिशर्स
भाई फिफ्थ जोन बन गया, अभी भी 13 टीम सर्वाइव कर रहा है। ओजी के दो बंदे नॉक, कोई बात नहीं रे, हो जाएंगे भाई। बहुत सही रेक है, बहुत सही। अगर चिकन निकाल दी तो चिकन एकदम से चिकन से सोलो मैन स्टैंडिंग ऐसे हो गया ये। कोई बात नहीं। एमजी वालो, अरे भाई पेल दिए अभी ओजी को फर्स्ट मैच भाई। ऑफिशियल में कुछ भी होता है ओजी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। रीसेट। यार खराब लग रहा है मुझे। और देखते CRC रिट्रीट, 5 सोलो फिनिशेस, टोटल 8 फिनिशेस। CRC कॉन्करर, 8 फिनिशेस है बे CRC के। और वो आसान होगा नहीं, बट अभी जोन में जाने में दिक्कत होगा इन टीम्स को जो जोन के बाहर है, क्योंकि जोन पूरा ऑक्यूपाइड है। इट्स टाइम फॉर रोटेशंस, इट्स टाइम फॉर सम फायरवर्क्स। खिलाड़ी भी और जहां जाएंगे वहां पर खिलाड़ियों को पाएंगे। एसटी वो एसटी है क्या? स्टैलवर्ट स्पोर्ट्स है क्या? वो ऑलरेडी काफी वल्नरेबल पोजीशन में मौजूद है। एसटी वर्सेस मेहम, दो खिलाड़ी मौजूद। देखना ये अमान क्या वो कुछ अलग करके जा सकते हैं। ये लीजिए एक नॉक, पूरा अंडरडॉग लाइनअप है बे। बात करें वो डेंजरस साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी भी टीम में है वो 3 खिलाड़ियों के साथ शेष। देखिए स्टेलर ने कोशिश अच्छी करी, बट वहाँ पे बहुत सारे टीम्स का स्प्रे आ रहा है, इतना आसान नहीं है वहाँ पे होल्ड आउट करना। बट में है कोशिश की उनकी भाई, प्रोडक्शन वाला चोक दिख रहा है मेरे को। प्रोडक्शन अमान ने करा है अपना काम, और यहाँ पे एसटी का सिर्फ एक बंदा बचा है। मेहम इज पुशिंग अमान, अब वो आगे बढ़ते हुए स्पार्क गॉड, व्हाट कैन ही डू, 1 HP वो भी बहुत ज्यादा। कुछ पास का भी आता हुआ और इसी के साथ स्टेलर ईस्पोर्ट्स, ओए वनेश पे मार दिया उसने, 1 HP पे मार दिया उसने। रीलोड पे गए हैं कि ये सही समय है अमान का, अगर कुछ करना चाहते हैं वो भी रुके हुए हैं। स्मोक है वहां पे इसलिए रुकावटें बहुत ज्यादा। अरे प्रोन हो के बैठा है वो बंदा, कंपोजर देखो अमन का कंपोजर तो मानना पड़ेगा। तलाश कर रहे, चलिए अंदर वो गए, लेकिन वो शॉट का कनेक्शन आया नहीं। अरे एक नॉक कर दिया, और एक नॉक कर दिया लास्ट में। ओए होए होए होए, मार दिया भाई। मुझे लगा वो 1 एचपी पे क्लच करने वाला है उस टीम को, एक एचपी पे क्लच करने वाला है, मुझे लेजिट लगा। बट भाई एक्सीलेंट एफर्ट ब्रो, स्पार्क गॉड, यू डिजर्व टू पुट दैट गॉड इन योर नेम। You have earned it, my friend. You have earned it. बहुत अच्छा खेला तूने। बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी चिकन की बात किया जाएगा तो भाई मुझे लगा OG निकालेगा, बट OG तो गया। अब कौन निकालेगा? अब तो मेरे कोई इन्फो नहीं है इस टीम्स का, तो ब्लाइंडली एक टीम का नाम बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट इट प्ले आउट, देखते कौन निकालेगा। तो रिप्लाई ये है, गोली खत्म हो गया भाई उसका गन में, और एल्स मार देता वो। ZH वाले एक ही करके 3 बंदे गए उनका, लास्ट मैन स्टैंडिंग है फॉर ZH। मेन फाइट इज बिटवीन इवोक एंड TUB। MYM वाले तो सोए पड़े भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइट में, दे जस्ट वांट टू सरवाइव। इवोक का सेज नॉक है, और अब वो जो ट्रेंच का पूरा कंट्रोल है वो लेना चाहते हैं। इवोक के ऊपर एक बढ़िया पुश भी आ रहा है, और आप देखिए AK M416 का वो, अरे अरे को मार दिए। के पास कोई मौका है नहीं, पीछे से कवर पर आएगा जरूर। लेजेंड को टेक डाउन किया गया, बट रिवाइवल वो मेरे ख्याल से काफी आसानी से हो जरूर। दो बंदे नॉक, और अभी के लिए इवोक को प्रोवोक तो किया है टीम अनस्टॉपेबल। ZH का वो बंदा भी रेवो रहा है, यहां पे इवोक के आ चुके हैं, और इवोक वाले बैक फुट में है। आई डोंट लाइक द ऑड्स ऑफ इवोक, बट आई लाइक द अप्रोच ऑफ MYM, धीरे-धीरे करके क्लोज इन कर रहे हो। कहां चले गए हैं वो, ये क्या कर रहा है इवोक? सेज क्या कर रहा है? मौजूद है दहाड़ में, देखना चाहता हूँ की कितनी ज्यादा तेज हो सकती है। अरे खुले में नहीं जाना था मेरे भाई, TUB बाहर हो गया। कामयाब रही है यहाँ पर इवोक की टीम, और टीम में इवोक का 3 मैन है, MYM के एक ही बंदा बचा है। फिनिशर्स आगे बढ़ेंगे नार्थेन, क्या वो क्लच करके जा पाएंगे? डैमेज बहुत ज्यादा, और टीम में अबे पहले शॉट में नहीं मरा था ना बंदा, अनबिलीवेबल स्टफ कर। अरे मर गया था क्या वो? एक बार डिले था क्या? उन्होंने अपने टीम को बचाया, वाओ इंपॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करके दिखाया।
और टीम में हम के खाते में गाइस आई वांट टू वॉच इट अगेन टीवी बाहर हो गया वो टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं एमवाईएम का नारसेन ने एक नॉक किया उत्तम को उसके बाद दूसरे को मारा हेड पे और तीसरे को भी मार दिया 1v3 फॉर अ विनर विनर चिकन डिनर बाय एमवाईएम ब्रो टीम को बचाया रिस्पेक्ट इंपॉसिबल क्या मारा उसने बहुत सेक्सी मारा ब्रो ही हैज डन द अनथिंकेबल एंड ही हैज डन इट इन स्टाइल टू गेट मेहम ऑन टॉप ब्रो व्हाट अ स्टार्ट ग्रुप 2 इज ऑल्सो फायर गाइस ग्रुप 2 इज फायर बस ओजी के लिए खराब लग रहा है कोई बात नहीं अब बढ़ते हैं अपना मैच 2 की तरफ गाइस सो फार आप वीडियो देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो और लाइक नहीं किया वीडियो को तो भाई माफ नहीं करूंगा मैं कर दो यार लाइक कर दो चलो अब बढ़ते हैं देखो बॉयस ओए लास्ट मैच का पूरा बदला लेने के लिए तैयार होके आया है ओजी 7 फिनिशेस पर ओजी 4 मैन स्ट्रांग भाई और थोड़े बहुत एमोस की भी मेरे को लग रहा है ओजी देगा इस मैच में तो लग रहा है बट लास्ट मैच में भी लगा था यू गाइस नो व्हाट हैपेंड तो इस बार मैं नहीं ले रहा ओजी का नाम इवोक के 3 बंदे नॉक व्हीकल ब्लास्ट से मरे क्या व्हीकल ब्लास्ट से 3 बंदे गए इवोक के देखो मैं इस बार ओजी के साथ नहीं जाना चाहता हूं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा देखते क्या होगा भाई टीएच जिंग्स गेमिंग नॉक बहुत शानदार है बट यहां पे ओरांगुटान का और ऑलरेडी टीएच का एक ही बंदा बचा है नाइट ओजी ओजी के 10 फिनिशेस हो गए भाई एकेओपी द एमवीपी 5 सोलो फिनिशेस निकाले थे पर इस मैच में 10 नालते में मान भाई शैक का क्लियर कर दो ट्रिगर मेरे भाई जो आपको शैक के अंदर एक कुक्ड ग्रेनेड खत्म इन सब के बीच में ग्लैडिएटर्स उनकी बस डाल दो अंदर डाल दो एक अरे शर्माओ मत जी डालो ना डाल टीएच का किस्मत बहुत अच्छा है पता बहुत इजीली मार सकते थे उनको बट समहाउ ओजी डिड नॉट आई हैव नो आईडिया डीसिंग पेटी पक्का पेटी है पक्का पेटी गया ये स्मोक करके ना डिफिकल्ट कर रहे हैं शैक के अंदर नेड करने का बट देनो ओजी नोस देयर डेड मीट बिकॉज अभी ओपन में आएंगे उसके बाद विजवर्ड का खाएंगे एक खा लिया दूसरा हिल बैटल करेगा आई थिंक हिल बैटल करेगा दूसरा वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी और देखते ही देखते ओरांगुटान 13 फिनिशेस फॉर ओजी भाई 6 फिनिशेस के साथ एक नंबर पे अब तो नाम ले ही लूंगा मैं ओजी का विनर विनर चिकन डिनर है रोक सको तो रोक लो कोई इम्पॉसिबल है अब तो मेरे को नहीं लगता जो फ्लो में चल रहा है ओजी जो खून गर्म हुआ पहला मैच के बाद मेरे को नहीं लगता अभी टांड होगा कोई टांड कर सकता है व्हाट बहुत गोली खाया उसने सीआरसी उनको थोड़ा समझ के रहने की जरूरत है थॉर रकम एक ग्रेनेड और थॉर को डाउन किया जा सकता है अरे भाई साहब वो खिलाड़ी रुकने को एक ने एडी को दिया एडी ने अलादीन को दिया इज दिस द 7 सीज वाला अलादीन भले उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले हो पर अभी भी चिकन डिनर बहुत ज्यादा दूर है एक और ग्रेनेड के साथ थॉर उनको डाउन किया जाएगा एक और ग्रेनेड रिट्रीट के द्वारा चाहिए क्योंकि अगर यहां वो एलिमिनेट हो गए तो भी आपको मात्र केवल 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे और आप फिनिशेस के लिए ज्यादा जा सकते थे पर कैंसर इसी बीच उनको डाउन किया जाएगा मिस शॉट के द्वारा ट्रिगर और समाप्त भी कर देंगे पर ओजी उनका शायद एक लाइट डाउन है जी हां डाउन किया गया इन सब के बीच में भाई सीआरसी वाले मार रहे हैं ओपी का शिकार होंगे एकेओपी 7 के साथ आपको दिखाई देंगे 16 फिनिशेस पर ओजी ब्रो लेट्स गो ब्रो ये कि क्या वो रिट्रीट एश को नॉक किया रॉकी इज गोइंग फॉर द हील बैटल लुक्स लाइक पर्टिकुलर मैच में रिट्रीट ने भी बहुत बढ़िया खेला पर एकेओपी प्ले जोन का शिकार होंगे उनको सीआरसी बहुत स्प्लिट खेलता है और अब बस्ती एकेओपी नॉक फाइट पर देखिए तो सही एश फिनिश हो गया ऑलरेडी फिनिशेस इस पर्टिकुलर मैच में जी हां 17 अबे है जरूर बट चिकन थोड़ा सा दूर विजगॉड भी नॉक क्योंकि क्रैटक की टीम वो आ चुकी है यहां पे ट्रिगर के पास जरूर देखने को मिलता है शॉटगन बट दैट अबे स्मोक में क्या मार रहे हैं चिकन डिनर लेके जाएगी इज इट रैंडम नंबर्स गेम का फायदा इज इट रैंडम फायर एंड स्मोक विजगॉड को गोली पड़ी और ऊपर से मौली का भी डैमेज लगा क्रेटिक ईस्पोर्ट्स आपको देखने को मिला सही वाओ आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज रैंडम और एनीथिंग एल्स बट पता नहीं थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को छोड़ो यार वियर्ड है तो अपने को 2-3 दिन में पता चल जाएगा क्या है क्या सी नहीं बट आज तो मैंने देखा है थोड़े टीम्स स्मोक के अंदर बहुत एक्यूरेटली कर रहे चीजें आई होप कुछ गलत ना हो गलत है तो अपने को दिख जाएगा जो भी है With that, Team Kratik Esports, winner winner chicken dinner, बहुत बढ़िया स्प्लिट खेल रहे थे ये कंपोजर भी अच्छा था इस टीम का और थोड़ा स्मोक के अंदर एक्यूरेसी भी मजाक कर रहा हूँ लास्ट वाला वो देखते आगे देखते क्या सीन है उसका चले भाई विद दैट दो मैचेस खत्म हो चुके भाई ओजी क्या चुम्मी गेम प्ले दिखाया इस वाला मैच में बट लास्ट में एक वियर्ड सा चोक हुआ था उनके साइड से बट बहुत
पॉइंट्स निकाले ओजी ने, आई होप इट्स एनफ। अब सिर्फ एक मैच बचा है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट मैच 3 नाउ। आसानी से सिक्योर किया जाएगा, क्या पुश कर रहे सीआरसी वाले, आखिरकार आपको रुकना ही पड़ेगा। और अब स्टैटिक वो पूरी तरीके से तैयार है, मोमेंटम उनके फेवर में है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स है वो भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रैक्सी वो यहाँ पर रुकेंगे, हिटलर की बात करें थोड़ा पीछे, भाई साहब एक ग्रेनेड को करके थ्रो किया है बट वो कनेक्ट, भाई साहब आएंगे नहीं, एक नॉक उनको निकालना पड़ेगा। हिटलर वो अभी भी बचे हुए हैं लेकिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, बचते अब मात्र एक खिलाड़ी। हालांकि एडी को नॉकआउट किया जरूर है बट काफी आसानी से वो जो रिवाइवल है वो मिल जाएगा। और चार किल मिल गया है, पहले दो बंदों को मार देते इसी टीम का, फिर दो को क्या ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारे ये लोग ने। एससीआरसी भाई चार बंदे एक गाड़ी में जा रहे हैं बाद ओवरऑल स्टैंडिंग इतना कॉन्फिडेंटली, भाई ये पूरा मैच चार चार बंदे एक गाड़ी में घूम रहे भाई। ओए ये क्यों मुड़ गए, ओजी का दो ही बंदे बचे, छह फिनिशेस एंड टीयूबी का एक ही बंदा बचा है ट्रबल, एंड ओजी इज पुशिंग। ट्रबल को हील करना चाहिए, उसके पास हील्स नहीं है। ओए बिस्कुट मत दिया उसने, इंस्टेंट पेटी। एश इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इसका इशू बहुत लो है। और अब बचते हैं ओजी के, ओए जोन से मर गया बे, एश भी मरने वाला है जोन से, वो भी शायद गया गया जोन से गया। आपको डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं क्या, इतना पर्याप्त समय उनके पास है। अबे लग गई फर्स्ट एंड, वाह आखिरी, वाह 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 वाह, क्या बात है ब्रो, क्या बात है, मैदान में क्या लगी पे फर्स्ट एड उसका, के पास देखने को मिल रहे हैं। मे बी उसका अगर सही टाइम पे पेन किलर ने बचा लिया उसको, वहां पे विजगॉट को रिवाइवल भी दिया जा सकता और वो खिलाड़ी को पहली फिनिश ऑफ कर देते, लेकिन भाई सीआरसी वाले तो दे रहे भाई, मानो ना मानो सीआरसी वाले तो, आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड एंड नॉट वेरी इम्प्रेस्ड वाली टीम है। इम्प्रेस हुआ कुछ चीजों को देख के, अनइम्प्रेस हुआ कुछ और चीजों को देख के। It's too early to say anything, but we'll see coming days में क्या होगा। Jackson is the last man standing. I don't think Jackson कुछ कर पाएगा। जैसे हमने बात भी करी है, वो रुकने के मूड में है नहीं। I thought so. Snow JD, JD या George? Snow George is the last man standing. इसको पढ़ाया बहुत दूर से D-Sync टीम से। और उसी के साथ उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। Wow. स्क्वाड ने अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाला, देखना ये कि MOIM क्या उनके पास फिनिशेस हैं या फिर नहीं, पर नार्से देखते ही देखते वो भी डाउन। इतना प्रॉपर स्क्वाड वाइब्स कर रही है, इतने प्रॉपर जिगा ले रही है सीआरसी, फॉर दैट आई एम इंप्रेस्ड। पर जहां जहां एडीएस खोल रहे, जहां जहां क्रॉसर लगा रहे, उसके लिए मैं अभी देखना पड़ेगा। उनको पूरी तरीके से शट डाउन किया गया है। I hope they are good. I hope they are really good. I hope they are not this. I just hope they are not. But if they are this, पता चल जाएगा अपने को। CRC का दो बंदे गए ना? देखो इवोक। Nice one रे। Now it's a 4v3 situation है। CRC versus CRC is again in top 2 बे। Last match they got a winner chicken dinner. This match they're in top 2. They have 15 finishes. Wow. Wow. अरे मैंने notice नहीं किया Nuggets. तब से मारे जा रहे थे, जोन भी है इनके पास। भाई मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, ये मैच CRC निकालेगा। आंख बंद करके बोल रहा हूँ मैं। जाना ही है उनके पास, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैन एडवांटेज जरूर उनके पास, लेकिन सर्कल का एडवांटेज स्टैटिक के पास है। थॉर को आप देखिए, उनके पास बूस्टर भी नहीं अपने आप को हील करने के लिए, बट गया एक, एक गया निकालेंगे, दूसरा भी गया। सिचुएशन इवन स्टीवन हो चुकी है, तीन का एक बंदा गया, पर क्या जरूरत है जब जोन ही खाएगा सामने वाले को। काफी आसानी से वो जो फिनिशेस है वो निकालने की कोशिश, और गया 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 डैमेज यहां से बहुत ज्यादा। क्रैटिक वो आसानी से चिकन डिनर अपने फेवर में लेकर के जा जरूर सकते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी वो बचेंगे और मार दिया बे, और क्रैटिक अपने ओपोनेंट को। वाओ देखो चिकन होने से पहले ही मुझे वाइब आ गया था इनको मारना इम्पॉसिबल लेवल के, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ये टीम ने रिकॉर्ड सेट कर दिया भाई। यू गाइस नो राइट कंपटीशन कितना टाइट है अभी। बैक टू बैक चिकन्स निकालना और इतने हाई किल के साथ चिकन निकालना, वो भी सैनोक में, इज नॉट एवरी अंडरडॉग टीम्स कप ऑफ टी।
सीआरसी लाइक आई सेड आई होप यू गाइस आर लेजिट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो हैंड कैम्स, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने चैनल्स में डालो, बता रहा हूं मैं, बी प्रिपेयर्ड। इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है तो भाई आई डोंट वांट इट टू गो टू वेस्ट, प्लीज रिकॉर्ड। बता रहा हूं मैं, जो हमें दिख रहा है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, दैट इज वाई रिकॉर्ड योर हैंड कैम्स एंड POVs। वो है तो भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता, बस बता रहा हूं मैं। चलो अब ग्रुप टू के अभी 3 मैचेस खत्म हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर ओवरऑल स्टैंडिंग्स। इतना मुझे पता है टॉप पे तो सीआरसी रहेगा, बाकी टीम्स का देख लेंगे अब। क्रैटिक ईस्पोर्ट्स #1 पे दो चिकन 56 पॉइंट्स, प्लाइन का 49 पे मैं इंप्रेस था भाई, 56 रोक सको तो रोक लो। ओजी 3 मैचेस 37 पॉइंट्स, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली गुड, पहला मैच के बाद। #3 पे टीम इवोक 36, दैट इज ऑल्सो अंडरडॉग टीम, गुड जॉब। टीम मेहम #4 ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स को सिर्फ 16 पॉइंट्स मिला, जिनको भी नहीं पता ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स से अलादीन वगैरह खेल रहे थे, एक नया लाइनअप, आई थॉट डेस्ट्रो वगैरह खेलेंगे बट वो नहीं खेले, वो गॉड स्ट्रेन के नाम से ही खेलेंगे। सेकंड पेज पे कौन कौन है वो भी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। गाइस जो भी टीम को 20 पॉइंट्स से कम है ना, उनको सेकंड वीक में बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई होंगे, इट्स नॉट गोना बी इजी। एंड जो भी 35 पॉइंट्स से ऊपर है वो थोड़ा सेफर साइड में रहेंगे फॉर क्वालिफिकेशन for the main event. तो ये था day one of BGIS, the grind of group 1 and group 2. Hope you guys enjoyed the video. अगर तुम लोग को थोड़ा भी मजा आया ना वीडियो, लाइक करना मत भूलना to show your support and subscribe करना मत भूलना to watch this kind of videos every day. And with that being said, मैं मिलता हूँ आप लोग से next video पे. Until then, peace. अभी तक वीडियो देख रहे तो एक ग्लास पानी पीना।